हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद भूमि। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मूंग की दाल, जो धुली मूंग की दाल होती है, एक कटोरी मूंग की दाल से पूरे घर के लिए सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को भिगो करके वॉश कर लेंगे। एक घंटा करीब इसको रखेंगे और मैंने इसको वॉश कर लिया है। उसके बाद मसाले में हम लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, बस वही जो सीजनल मसाले आ रहे हैं उन्हीं को हमें लेना है, ये देखिए। और इन सब को हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हमने जो मूंग की दाल ली थी उसको भी हमने पीस लिया है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्लीज़ इसमें पीसते समय पानी बिल्कुल ज़रा सा डालिएगा, हो सके तो बस एक चम्मच डालिएगा, क्योंकि पानी जितना कम होगा उतनी ही अच्छी इसकी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो इसमें अब हमने मसाले में डाल दिया नमक दाल में, और उसके बाद हमने ये चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसको आप कुटी हुई लाल मिर्च भी कह सकते हैं, मैंने इसे घर ही में बनाया है। थोड़ा सा मिक्सी को अगर आप एक बार चलाएंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने साबुत ज़ीरा ले लिया एक बड़ा चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। बस इसको अच्छे से चला लीजिए फ्रेंड्स। और एक तरफ अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गरम होगी तब तक हम इसमें 2 पिंच के लगभग खाने वाला जो सोडा आता है उसको डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें एक्टिवेट करने के लिए सोडे को पानी बिल्कुल भी नहीं लिया है, आपको बस पानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ये ऐसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। जितनी देर में हमारा तेल गर्म होगा उतनी देर में ये पकौड़ी का बैटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या रिफाइन में बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दूँगी, ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि पकौड़ी बनाने में हमारा हाथ गंदा हो जाता है, लेकिन आप इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक चम्मच की सहायता से पकौड़ियों को डालती जा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, लो फ्लेम पर आपको पकौड़ियाँ डालनी हैं इस तरह से, इससे आपका हाथ भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा, क्लीन रहता है, और एक ही साइज़ की पकौड़ियाँ आपको मिलेंगी, ये देखिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे पानी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है पूरी रेसिपी में, ज़रा सा बस एक चम्मच के लगभग डालना है जब आप दाल को ग्राइंड करेंगे, ये देखिए। मैंने छोटी छोटी बनाई हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार, पसंद के अनुसार पकौड़ियों का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप ऊपर फूल करके आ रही हैं। और हाँ फ्रेंड्स, पकौड़ियों को पलटने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो वो नीचे से कच्ची रहती हैं तो वो आपकी कलछुली जो होती है उसमें चिपक जाती है, ये देखिए। अब हम इसको पलट देंगे एक एक करके, आप चाहें तो स्पून से भी पलट सकते हैं। गैस को मीडियम ही रखना है, हाई मत करिएगा, क्योंकि अगर आप हाई करेंगे तो वो ऊपर से सिक जाती हैं पकौड़ी हमारी और अंदर से कच्ची रहती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हमारी पकौड़ी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और दूसरे बैच की पकौड़ियों को डाल देंगे।
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल कड़ी नहीं है। अब हम ये दूसरे बैच की पकौड़ी भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने पूरा उठा लिया और इसको पलट दिया है। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी जो बनती है वो बिल्कुल लगी लिपटी बनती है। अगर आपको रसेदार बनानी है तो आप इसमें पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी लगी लिपटी सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पकौड़ी तल चुकी है। अब जो तेल इसमें बचा हुआ है हम उसी में इस पकौड़ी के मसाले का को फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने प्याज लहसुन मिर्च अदरक जो पीसी थी वो अपने हिसाब से 3 चम्मच डाल दिए। मसाला हमारा भुन गया, हल्का ब्राउनिश सा हो गया। अब मैंने इसमें पीसी हल्दी ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमारे पकौड़ियों में भी है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा कम ही डालिएगा नमक। अब मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना करके रखी थी फ्रिज में, वो मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग मिला दी है इसमें। आप चाहें तो टमाटर को, फ्रेश टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें छिलके जो हैं वो आपको फिर दिखाई देंगे। प्यूरी में ये है कि सब्ज़ी आपकी बिल्कुल क्लीन बनेगी। बस अब जब हमारी टमाटर की प्यूरी मिक्स हो जाएगी अच्छे से, तब हम उसके बाद सारी पकौड़ियों को उसमें मिक्स कर देंगे मसाले में। इसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस इसमें अब आपको जितना पानी रखना हो सब्ज़ी में अपनी उतना डाल दीजिएगा। बहुत कम समय में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मेरी एक भी पकौड़ी जो है वो कहीं से भी टूटी नहीं है। ये देखिए देखिए मैं चला रही हूँ, अगर ये टूटना होता तो टूट जाती। अब इसको फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ना गैस पे चढ़ाना है, बस एक बॉयल करके उतार लेना है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, सारी पकौड़ियाँ इसमें इंटैक्ट हैं, कोई भी पकौड़ी टूटी नहीं है। बस पानी थोड़ा सा ही सूख जाता है, इसलिए पानी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डालिएगा, उस हिसाब से मसाला भी उसमें ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। ये देखिए आप इसको चावल रोटी पराठा किसी से भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।